मध्य प्रदेश में शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय विश्वविद्यालय का संचालन जारी रहेगा, लेकिन इस दौरान विद्यार्थियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य रहेगा। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों का संचालन जारी रहेगा, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। डॉक्टर मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, आप सबका चूंकि ऑफलाइन कॉलेज चालू है, आपका स्वागत करता हूं। और यही देखने में आया कि अब नया एक वेरिएंट आया है और कोविड के मामले में अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए पीएमओ और माननीय मुख्यमंत्री ने भी हमको निर्देश जारी किए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में विभाग को हमने नए निर्देश जारी किए हैं, लेकिन चूंकि उच्च शिक्षा विभाग में हमने सबसे अपेक्षा की है कि वो सब कोविड के निर्धारित मापदंडों का कड़ाई से पालन करे और वो सारे निर्देशों के बलबूते पर ही हम अपने ऑफलाइन क्लास और कॉलेज चालू रखने पे अभी तक तो हमने निर्णय यही किया है। चूंकि ये कठिन दौर है, हमको मालूम है कि जब ऑनलाइन क्लास चलती है या बाकी पढ़ाई का घर बैठे हम कोई प्रबंधन करते हैं तो पढ़ाई के बारे में प्रॉपर जो एक सामान्य धारा बनना चाहिए उसमें नुकसान होता है। इसलिए ये निर्णय अभी तक की स्थिति को देखते हम जारी रख रहे हैं कि आप कोविड के सारे निर्देशों का पालन करेंगे। इस बलबूते पर हमारे महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय में, प्राइवेट महाविद्यालय में पढ़ाई जारी रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वैक्सीनेशन के बाद हम सब इन कठिन दौर से बाहर आएंगे और ये पढ़ाई का क्रम जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति मंगल कामना, शुभकामना। एक बार फिर आप मास्क लगाएं, डिस्टेंस का पालन करें, आवश्यक निर्देशों का पालन करें और ये सब आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी सुविधा के लिए है। हम सब सुरक्षित रहे, परिवार भी सुरक्षित रहे, ये निर्देशों का पालन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।